गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और हम गलती से घरगुन पहुंच गए थे तो आज उस गाड़ी से आपकी मुलाकात करवाते थे जिससे इंस्पायर हो कि हमने ड्राइवर लिए। ये उनके मालिक फिलहाल खरगोन में ही है और ये अपनी गाड़ी में नहीं, ये मैं हमारे मित्र की गाड़ी में बैठे हैं और हमारी गाड़ी से काफ़ी आगे ये मॉडिफाई हो चुकी है। तो आज आपको इस गाड़ी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, बहुत सारी फालतू चीज़ें भी उसको इग्नोर करिएगा। नहीं गौले अभी कहाँ लेके जा रहे हो? फिर उसके बाद आके बात करते हैं क्यों? सबको एड्रेस बता दे आराम। ये मत डालना। डाल दूंगा मैं तो। रखो इस गाड़ी का मॉडिफिकेशन, इसमें पीछे बढ़िया सा कैमरा वैमरा लगवाया। ये डिस्प्ले चेंज करेगी नहीं तूने? नहीं वही है, कंपनी वही है। पर इसमें वीडियो कैसे चल रहा है? वो क्रैक करा है। अरे क्रैक कुछ नहीं करा है, चोरी होती है क्रैक करना। देखो भाई इसमें ना ये वीडियोस भी चला सकता है, वो कैसे क्रैक हुआ वो हम नहीं बताएंगे। वो कॉन्फिडेंशियल है। वैसे है कि किसी दिन अगर थोड़ा बहुत लीगल लगा तो मैं बता दूंगा। इस गाड़ी को मेन बताने का सबसे मेन कारण ये है, देखो ये रहा, ये जो लिखा हुआ ना उल्टे में दिख रहा है CNG, भाई साहब ने CNG करवाई है। और आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये CNG इसमें कैसे फिट हुई है और कंफर्टेबल है कि नहीं। और मैं जो प्लान कर रहा हूँ इसी गाड़ी को देख के कर रहा हूँ CNG का, पर हमारे भाई साहब थोड़े पैसे में मदद कर दे तो हो जाएगी हमारी CNG जल्दी। अरे भाई दे दे यार थोड़े बहुत। और तो ये बत्ती देता रहता है, अपन लगवाने के बाद ही एक्सपीरियंस करेंगे। भाई बता कितना यूरेज देती है? मैं मिनिमम 25 तो देती है। मिनिमम 25 है ना, ये गाड़ी बहुत गंदी चलाता है, उसके बाद 25 निकाल लेता है। अपन ज्यादा निकाल के बताएंगे। अभी मैं लोनावला, मेरे को अगर डर लग रहा था ये 32 नहीं बोलते। नहीं अभी मैं लोनावला ट्रिप पे गया था ना, ओवरऑल एवरेज 31 का निकला। देखो 31 बोल रहा है मतलब हाईवे पे और फुली लोडेड नहीं होगी गाड़ी। लोनावला गया था तो एक दो जन नहीं गए थे, बात कर लेना भाई कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने लोनावला ट्रिप की थी ना, टोटल गाड़ी खरगोन टू खरगोन 1300 किलोमीटर गाड़ी चली है ना, इसमें 30 किलोमीटर पेट्रोल पे चली है, बाकी पूरी गाड़ी 1270 किलोमीटर CNG पे चली है। टोटल CNG का खर्चा आया मेरे को 3650 रुपये। 3650 में गाड़ी मतलब इतनी CNG में खरगोन टू खरगोन आ गई। अब ये जो सारी चीज़ें बता रहे हैं ये भी प्रैक्टिकली हमें भी आजमाना पड़ेगा। अभी ये तो बता रहा है, विश्वास करें नहीं करें। तो एक्चुअल में इसने फोटोज भी खींचे थे, ये कुछ बता रहा है, पर अपन भी जब CNG करवाएंगे तो एक्चुअल जो उसका एवरेज रहेगा वो आपको निकाल के बताएंगे। ड्राइविंग एक जो तरीका होता है उस पर बहुत चीज़ें। मैं पिछले वीडियो में ये बता चुका हूँ आप लोगों को कि ड्राइविंग का जो कंसर्न रहता है, अगर आप अच्छे हैवी ड्राइवर नहीं प्रोफेशनल ड्राइवर हो तो बढ़िया एवरेज निकाल सकते हो। 31 का एवरेज बता रहा है, ये लोनावला गया था, किलोमीटर आपको बता चुका है। गाड़ी को CNG करवाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, हमारे भाई साहब सिटी में भी बढ़िया AC में चला रहे हैं, एवरेज की कोई टेंशन नहीं है। तो रनिंग गाड़ी के बताना। बिल्कुल बता देते, बोले एडवाइस कर रहा भाई वीडियो में यही बता। चलो बताते हैं भाई साहब ने गाड़ी कितनी चला दी अभी तक, दिखाई नहीं दे रहा है, दे रहा है 34,000 के अराउंड। 34,000 के अराउंड गाड़ी चला चुका है। इसके फोन इतने आ रहे ना, व्लॉग नहीं बना पा रहे, रख दे भाई। अच्छा वो सॉरी, तक गाड़ी 34,000 के समथिंग चल चुकी है, अभी मैंने देखा था मीटर में। हाँ ये, और हमारे भाई साहब ने लगभग 6,500 पर CNG करवा ली थी, तो इसके जो CNG करवाने के पैसे है ना 40,000, उससे तो ज़्यादा रिकवर, उससे ज़्यादा रिकवर हो गए। और ट्रेवल वगैरह पे भी चला देता है कभी कभार पहचान वालों के साथ में। तो आप लोगों को फ्रंट एंड बता देता हूँ, यहाँ पर इसने ऑपरेट करने का लगवाया CNG। इसमें जो ऊपर वाले पॉइंट दिख रहे हैं, जब ये चारों फुल रहते हैं तो CNG टैंक फुल हो जाता है, और जैसे ही ये पॉइंट्स ख़त्म होते हैं उसके बाद में गाड़ी ऑटोमेटिक ये पेट्रोल में डाल देते हैं भाई साहब, और वहीं तक डालते हैं जहाँ तक CNG मिले ना। तो CNG कराने के बाद ये मान के चलो 500 किलोमीटर भी नहीं पेट्रोल पे चलाई। अरे गजब, ये भाई ना बहुत प्रॉफिट एंड लॉस में खेलने वाला बंदा है। अब ना कहीं पे गाड़ी लगाते हैं और पीछे CNG किट आप लोगों को बता देते हैं। ओ मेन मोटो वीडियो का यही है, आपको CNG इसमें कैसे फिट होती है और बूट स्पेस बसता है नहीं बसता है वो सब देखना है हमें। कहाँ लेके जा रहा है भाई? तो चलना भाई अभी वीडियो बनाने के लिए भाई ने 10 किलोमीटर घुमा दिया, पता है मुझे
बोले अच्छी जगह ले जाऊंगा, वहाँ खड़े होकर सीएनजी किट बताएंगे। चलो देखते हैं। तो पानी बंद भी हो गया, मेरे को निकलना भी है। ये भी है, पता नहीं कोई सुंदर सी कॉलोनी में ले जा रहे हैं भाई साहब हमारे। कॉलोनी का प्रमोशन कर दे क्या? भाई बहुत ही प्यारी लोकेशन पर आया, नई कॉलोनी बनी हुई है एकदम खाली खाली। देखो ये गाड़ी बढ़िया सी दिख रही है। और आपको सीएनजी वगैरह के बारे में बताता हूँ। चले गोले भाई बहुत मेहनत कर रहा है, लोकेशन ढूंढ रहा है वीडियो के लिए। और क्या बोल रहा है, डिक्की से फटाफट सामान हटा दें दे फिर सीएनजी बताना। तो चलो हमारे गोले क्या छुपा रहे तूने, डिक्की में ऐसा क्या था? अरे ये पड़ा था शैम्पू की बोतल पड़ी। ये इंदौर से ही करवाइए, फारूक ऑटो गैस करके है जो भी डीलर, उनसे करवाइए। देखो इसका जितना बूट स्पेस है ना उसमें प्रॉपर टंकी आ चुकी है, यहाँ पर आप छोटे मोटे पिट्टू बैग रख सकते हो, तो बूट स्पेस तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। पर बूट स्पेस के लिए भी अपने पास ड्राइवर में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। ये टैंक कितने लीटर का है? ये 12 किलो से चलता है। 12 किलो, ये मीजो वाली किट है, 12 किलो से चलती है। एक्चुअल में जैसे डायरेक्ट अगर आप स्पेस देखो तो ड्राइवर में ये टैंक फिट होने की स्पेस नहीं है बूट स्पेस में। इसने क्या करा है एक्चुअल में, ये जो सीट है इसको हल्का आगे करा है, ये और यहाँ देखो ये एक्सटेंड करा है इतना। और वैसे तो उसने 1.5 इंच ही बोला था सीट को आगे करने, तो बेसिकली जो नीचे से हुई है वो सीट उतनी ही आगे हुई है, ये सीट का बैक थोड़ा सा पीछे है। तो ये यहाँ से ऐसा करके कुछ फिट करते हैं, तो ये वो फिट कर एंगल थोड़ा सा कम हुआ है। तो आगे भी बैठ के बताता हूँ मैं कि कितनी क्या स्पेस है, प्रॉपर बैठ पाते हैं कि नहीं। तो फिलहाल फिटिंग ऐसी है, 12 kg वाला है और ये 1 साल पहले 40,000 में हुई थी और अभी ये सेम चीज़ 70 के समथिंग हो रही है। मतलब उसमें वेराइटीज़ ऑफ है मीज़ो की, जैसे 60,000, 65,000, 70,000, 3 कैटेगरी उसने बताई थी, हम लोग बात करके आ चुके हैं। ये भाई साहब भी गए थे साथ में, पता नहीं क्या फारूक जी का बस वो कर रहा है। चलो अब आगे स्पेस देख लेते हैं, गवले ही बैठ के बता दे भाई। नहीं नहीं भाई, हम दोनों की हाइट सेम है तो छोटी हाइट वालों के हिसाब से आपको स्पेस बता रहे हैं। हमारे भाई साहब सामान ही छुपाए जा रहे, पता नहीं कौन सा सामान रखा है कार में। चलो कोई नहीं, अब वो कार लेते हैं तो थोड़ा सा ये सब तो हो ही जाता है। भाई साहब ने ये गर्मी वाले कवर्स लगवाए थे, मुझे भी लगवाना था पर बताते नहीं है कितने क्या में। देखो इसमें क्या करना पड़ता है, अगर वो सीट आगे हुई है तो उसके लिए ना थोड़ी सी आपको ये बीच वाली सीट भी फॉरवर्ड करनी पड़ती है, तब जाके आराम से बैठ सकते हो। थोड़ा उधर खसकना, आप पीछे कर सकते हैं आराम से बैठ है ना। तो अब ये देखो 5'2" की हाइट है, स्पेस तो ये कवर की वजह से आपको ऐसा लग रहा है पर ये प्रॉपरली बैठा हुआ है आराम से। तो ये मान लो पीछे 2 से 3 लोग छोटी हाइट के आराम से बैठ सकते हैं, और बाकी मैंने जो जाएगा एडजस्ट करने में तो हर बंदा एडजस्ट कर लेता है पीछे बैठ के, ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है। 3 महीने पहले खाटू श्याम गए थे तो पीछे 3 लोग बैठ गए। ये लो भाई साहब बता रहे पीछे 3 लोग बैठ के गए थे। मैं भी सीएनजी किट लगाने के बाद में फुली लोडेड करने के बाद में बताएंगे एवरेज कितना निकल रहा है, कंफर्टेबल बैठ पा रहे हैं कि नहीं। पर हाँ एक चीज़ है, सीएनजी किट लगाने के बाद इसको थोड़ा सा आगे जरूर करना पड़ेगा, इसको आगे करे बिना बैठ नहीं सकते। इसके बाद भी यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस है, मतलब मैं आपको ये देखो ये सीट पीछे है और वो सीट आगे है, तो मैं पहले बैठ के बता देता हूँ आपको। ये मैं प्रॉपरली बैठा हूँ और अभी भी स्पेस इसमें बॉटल वॉटल कुछ रखी है, काफ़ी स्पेस है और अच्छे से बैठ पा रहे हैं। और गवले को मैंने लॉक कर दिया पीछे। निकालूं भाई निकल जाएंगे कि गाड़ी चला लूं? चला लेते हैं हम। आ जा भाई, हो गया है, सीख गया साले, हो गई टाइम हो गया गाड़ी को मेरी भी। तो भाई ये थी वो ड्राइवर जिसकी वजह से हमने ड्राइवर ली है, और 1 से 1.5 साल हो गया, अभी भी गाड़ी चलाने में ऐसे लगती नहीं है कि पुरानी है, काफ़ी रिफाइन गाड़ी है और अच्छी गाड़ी है। कुछ आपको डिटेल्स दे चुके हैं ड्राइवर के बारे में और काफ़ी सही गाड़ी लगी मुझे तो। और ये गाड़ी को बताने का मेरा काफ़ी टाइम से सपना था और इसको व्लॉग में आने में बड़ा मज़ा आता है। पता नहीं 2 साल पहले व्लॉग में आया था क्यों, वो भी गलती से 3 साल हो गए स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में हम लोग तो निकल चुके थे, रास्ते में खड़े थे भाई साहब हमारे, रात के 11 बजे निकले थे अकेले बाइक से, बोले कि मैं आ रहा हूँ तुम होल्ड करो। तो फिर हम लोग एक जगह रुके थे और हम मिल गए थे। अगर 3 साल पहले वाले व्लॉग में आप इंटरेस्टेड हो तो देख लेना, काफ़ी बकचोदी करी थी उसमें भी। तो आज के व्लॉग को यहीं करते हैं एंड, इस ड्राइवर के साथ में।
और आई होप आप लोगों को बहुत कुछ नॉलेज मिल रहा होगा, और अच्छा लग रहा तो सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें यार, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और लोगों के पास में वीडियो पहुँचता है। सब्सक्राइब का नहीं बोलेगा? हाँ भाई, भाई का चैनल सब्सक्राइब करो, अच्छा अच्छा कंटेंट आते रहेगा अभी इस पर, है ना? तो जो आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा, आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा। चलो आज के लिए इतना बहुत है, बाय बाय।